नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपीट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह एग्रीकल्चर की 9वीं क्लास है। इसके पहले 8 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीट प्लस सी एजीटीए के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके आप लोग सभी क्लासेस जो 8 क्लासेस आपको पढ़ा दी गई हैं सभी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बिल्कुल आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से एकदम से निःशुल्क क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इस चैनल के माध्यम से। और जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 36 से। और इसके पिछली की क्लास में हम लोगों ने 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और इस क्लास में हम लोग 36 के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है, कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और अधिकतर मृदाओं की बात करें दोस्तों तो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और यह कण घनत्व का आधा होता है। सोयल प्रोफाइल में नीचे की ओर जाने पर यह स्थूल घनत्व बढ़ता जाता है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जरूर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1937 में। एगमार्क अधिनियम वर्ष 1937 में पारित हुआ था, परंतु कार्य करने की बात करें तो 1986 में कार्य करना शुरू किया था और यह किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है पर ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी है डिहाइड्रोनेज, ऑप्शन सी है कार्बोक्सीलेज और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 39 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? चिपकाने वाला, नवचंद्रक, पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नवचंद्रक कहलाती है। हवा तथा पानी के बीच की सीमा परत को नवचंद्रक कहते हैं दोस्तों। और पृष्ठ तनाव की बात करें जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है, तो पृष्ठ तनाव कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संचार का पारंपरिक माध्यम है, तो संचार का पारंपरिक माध्यम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामलीला, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संचार का पारंपरिक माध्यम रामलीला है जिसे भारत की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान आपको यहां पर बताना है। तो राइट आंसर होगा 42 का बी हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए,
निल्लौर इसका सही जवाब बनेगा। भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल की बात करें तो निल्लौर है, और विश्व की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल की बात करें तो सलफोल्क है। सलफोल्क ध्यान रखिएगा, सलफोल्क सलफोल्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। केला में भूमि के ऊपर के तने को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन ए है राइजोम के नाम से, ऑप्शन बी है स्यूडो स्टेम के नाम से, ऑप्शन सी है सकर के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्यूडो स्टेम के नाम से जाना जाता है। और केला में ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो स्वाद सकर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उर्वरक, ऑप्शन बी है मृदा उर्वरता, ऑप्शन सी है मृदा उत्पादकता, ऑप्शन डी है मृदा रंग। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयल फर्टिलिटी मृदा उर्वरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, तो संकुल मक्का की बीज दर आपको बताना है यहाँ पर प्रति हेक्टेयर में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और हाइब्रिड मक्का का बीज दर की बात करें तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर, 25 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। और चारे के उद्देश्य से बुआई करने पर मक्का की बीज दर की बात करें तो 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है बीज, ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। यहाँ पर आपको फिल करना है, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूबियन। बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है उसे एंग्लो न्यूबियन कहते हैं दोस्तों। और साइनेन की बात करें तो बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, सानेन जो ऑप्शन बी में दिया गया है, सानेन बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अगला 48 है, मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी। सूरजमुखी की प्रजातियों की बात करें तो मॉडर्न रामसन ये जो हैं सूरजमुखी की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो आपको यहां पर बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5 से 7.5 मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है, और 6.5 पीएच मान से कम वाली मृदा अम्लीय प्रकार की होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है, कितना होता है? एक से कम होता है, एक के बराबर होता है, एक से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक। पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व एक से अधिक होता है, और कच्चे आम के फलों का घनत्व एक से कम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर आपको फिल करना है, एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलिका अनुप्रयोग। गोलिका अनुप्रयोग एक स्थानिक संस्थापन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस कोषांग में जल अपघटनीय बिकर की प्रचुर मात्रा होती है? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइसोसोम, इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम कोशिकांग में जल अपघटनीय बिकर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व उत्तर, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्व दक्षिण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
उत्तर पश्चिम में। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, बगीचे की उत्तर पश्चिम दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं, जिससे उत्तर एवं पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवाएं लू से बगीचे को बचाया जा सके। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असंपीडित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है, यहां पर आपको बताना है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग रॉक्स इज नोन एज। तो यहां पर 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिगोलिथ इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है यहां पे दोस्तों, पीएच और काउ मिल्क इज गाय के दूध का पीएच होता है। तो 57 का आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 6.4 से 6.6। गाय के दूध का पीएच मान की बात करें तो 6.4 से 6.6 होता है, और भैंस के दूध के पीएच मान की बात करें तो 6.7 से 6.8 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारिता आंदोलन, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ग्रामीण विकास परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट की। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1948 में, सहकारिता आंदोलन 1904 में, और सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1952 में, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरुआत हुई थी, और सेवाग्राम 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी सेवाग्राम की। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोले सोडाइन, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। बैंगन आलू जैसे सोलेनेसी परिवार में कड़वाहट सोले सोडाइन पदार्थ के कारण होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो कार्बनिक रसायन उर्वरक यूरिया है, और इसमें नाइट्रोजन 46% पाई जाती है, यह अम्लीय प्रकृति की होती है, और इसके सूत्र की बात करें तो NH2 NH2 CO NH2, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अल्पाधिकार के नाम से, क्रेता एकाधिकार के नाम से, द्वैधिकार से, और एकाधिकार के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेता एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। किसी कंपनी या फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना क्रेता एकाधिकार मोनोपोली कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों। यहां पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगोनिया में। पत्तियों द्वारा प्रजनन बेगोनिया और ब्रायोफिलम में होता है दोस्तों, और चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रॉन्ज शरीर की पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों, C2 पौधों में, C3 पौधे में, और C4 पौधे में, मांसल पौधे में। तो यहाँ पर 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी C4 पौधे में, क्रॉन्ज शरीर की C4 प्रकार के पौधे में पाई जाती है, और C4 प्रकार के पौधों की बात करें तो यहाँ पर ज्वार हो जाएगा, बाजरा, गन्ना, मक्का, चौलाई, और C3 पौधे के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी, चावल, गेहूं, कपास, जौ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65,
बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर 66 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असहभागिता का सिद्धांत, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसार के सिद्धांत की बात करें तो करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत भी होता है, मूल्यांकन का सिद्धांत आता है और भागीदारी का सिद्धांत भी आता है, लेकिन असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, बछड़े के बधियाकरण का सही समय है आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 से 10 सप्ताह, इसका सही जवाब बनेगा। बछड़े के बधियाकरण का सही समय 3 से 10 सप्ताह की उम्र या 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीसोफिल तथा बंडल स्वीत पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पौधे की तने में, पौधे की जड़ में, पौधे की पत्ती में, पौधे के फल में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे की पत्ती में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, DRIS उपयोगी है किसके लिए? लंबी अवधि की फसलों के लिए, अल्प अवधि फसलों के लिए, तिलहनी फसलों के लिए, सब्जी फसलों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयोगी होता है और इसके द्वारा पौधे में पोषक तत्व की सांद्रता की गणना करने में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना। टाइफून विधि से सिंचाई गन्ना की फसल में प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में यह विधि सर्वाधिक अपनाई जाती है और इस विधि से नियंत्रित मात्रा में पानी, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन प्रभावी ढंग से प्रयोग किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 71 है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना है। करके सीखना शब्द समूह का प्रयोग 1966 ईस्वी में जॉन डीबी ने किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, बाली के नाम से जाना जाता है। बाजरा एवं ज्वार के फल को बाली के नाम से जानते हैं, जबकि सरसों के फल को सिलकुआ के नाम से जानते हैं और मटर के फली को पोड़ के नाम से जाना जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है कैटकिन, ऑप्शन बी है हेड, ऑप्शन सी है कर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ड के नाम से जाना जाता है। फूल गोभी के पुष्पक्रम को कर्ड कहते हैं और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक कहते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 है, सही वाक्य का पता लगाएं, सही वाक्य का पता लगाइए। तो यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा है, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। तो 74 का आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापक्रम घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, 75 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस फल में होता है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया बेल, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है करौंदा, ऑप्शन डी है नींबू वर्गीय फल। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, बेल इसका सही जवाब बनेगा। सर्वाधिक राइबोफ्लेविन बेल के फल में पाया जाता है और सर्वाधिक विटामिन ए आम के फल में पाया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।